शिशु को नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद पलवल के बीच तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में लगी भीषण आग। हरियाणा के फरीदाबाद पलवल के बीच तेलंगाना एक्सप्रेस बोगी में भीषण आग लग गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। उत्तर रेलवे के CPRO ने कहा कि आज सुबह 7:43 पर तेलंगाना एक्सप्रेस के ब्रेक बाइंडिंग में आग लग गई। सभी यात्री सुरक्षित है। महाराष्ट्र में ACP नेता दिलीप सोपल शिवसेना में शामिल। ACP नेता और 6 बार के विधायक रहे दिलीप सोपल ने इस्तीफे के एक दिन बाद आधिकारिक तौर पर बुधवार को शिवसेना ज्वाइन कर लिया है। सोपल के अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप माने भी शिवसेना ज्वाइन कर लिए है। सरकार ने लॉन्च किया शगुन पोर्टल। देश के स्कूलों, शिक्षकों, गुणवत्ता योजनाओं की जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने देश के स्कूलों की निगरानी के कार्यों को आगे देखते हुए 15 लाख स्कूलों, उनकी शिक्षकों और कई करोड़ छात्राओं को शगुन पोर्टल से जोड़ा है। ईडी का खुलासा, राज ठाकरे को बिना निवेश के ही हुआ 20 करोड़ रुपए का फायदा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय अब इस बात की पड़ताल कर रहा है कि कैसे मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने 2008 में मातोश्री रियल्टर्स में बिना किसी निवेश के 20 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त किया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।